जहाँ तक रीन्यूबल एनर्जीज़ का ताल्लुक़ है वो उसमें एक बहुत बड़ा जो नाम है उसका वो, वो विंड एनर्जी है और वह खूस आज कम अज़ कम गुजत बीस साल से जितनी तरक्की हुई है विंड एनर्जी के अंदर शायद ही किसी और आ, 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 एनर्जी ऑप्शन में इतनी तरक्की हो पोटोवोल्टेक्स पो, में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं लेकिन आ, बहुत हल्के हल्के और छोटे छोटे चेंजेस चलते आ रहे हैं जो सिलकन वाली जो केस था जिसकी मैं आपको मैंने सिलकन वाले फोटो वोल्टे मॉड्यूल में बात बताई थी वो तो उन्नीस से उन्नीस पे चला था दस बारह परसेंट तक के और अब आजकल वो बीस फीसद तक के आ गया है उसकी एफिशिएंसी तो बहुत ही हल्के हल्के से वो बढ़ी है लेकिन विंड एनर्जी जो थी वो बहुत ही तेज़ी से एकदम से बढ़ी है विंड टरबाइन की बात कर रहा हूँ अब अगर सिर्फ विंड एनर्जी के देखें तो वो बहुत तारीख़ी चीज़ है कि काफ़ी क्योंकि हवा तो थी अब हवा का इस्तेमाल तो पहले से था किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके इस्तेमाल करते थे अब जैसे ये देखें ये एक पहली वाली स्लाइड अगर आप देखेंगे तो ये जो आ, आ, बादबान जिसे जै कहते थे ना कि वो सारे आ, इस्पे, इस्पेशली उस्मानिया में काफ़ी बहुत डेवलप हुई थी इस्लामिक नेवी और इस्लामिक नेवी से पहले ग्रीक नेवी थी जो पूरे क्रीट आइलैंड के पास थी उनका सारा काम क्या था जो रोमस वगैरह जो थे उनका भी वही कि वो ये बादबानी किश्ती इस्तेमाल करते थे और जहाँ जाना चले जाते थे उसमें तोपे ओंपे फिर बात की बात है तोपे आना लेकिन वो कम अज़ कम उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का और ट्रेड वगैरह का वो सारा काम हो जाता था पूरा अमेरिका का डिस्कवरी डिस्कवरी नहीं बल्कि ये यूरोपियन को पहुँचना वहाँ पर डिस्कवरी तो वहाँ लोग पहले से रहते थे तो उसको डिस्कवरी तो नहीं कह सकते लेकिन यूरोपियन का पहुँचना सिर्फ़ इन बादबानों की वजह से हुआ था ना तो इसका मतलब विंड पावर ले उन्होंने इस्तेमाल किया और वो पूरे बोट से स्पेन uh, से लेके चले थे और अमेरिका तक के पहुंच गए तो यहाँ भी हमारे सब uh, कॉन्टीनेंट में भी इसकी काफ़ी बड़ी है और वो uh, बहुत सारी ऐसी दुनिया में हरक़त हुई हैं जो सिर्फ विंड एनर्जी की वजह से हुई हैं तो ये हिस्टोरिकली बहुत बड़ी बात है एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है विंड पावर की है वो है नदरलैंड में नैदरलैंड जब शुरू हुआ था ना तो बिल्कुल जैसे कीचड़ था पानी था पानी सुबह आ जाता था शाम को चले जाता था वहाँ कुछ 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 जगहें थी जहाँ पे लोग रहते थे उसके अलावा वहाँ रहने का कोई गुंजाइश नहीं थी तो इन्होंने विंड पावर की विंड मिल की जिसकी आपको ऊपर देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे जो तस्वीर है उसके इन्वेंशन का मकसद ही यह था कि उससे पानी पम्प करें तो उसे वो चलते थे रोटर यू नो विंड मिल से वो चलती थी और वो पम्प होता था ऊपर नीचे और सारा पानी उसको बाहर निकालते थे अब पूरा एक शहर बनाए इन विंड मिल्स की शहर नहीं बल्कि मुल्क नैदरलैंड्स है ना वो नैदरलैंड ऐसी सी में है जगह जहाँ पे पानी ऊपर नीचे बहुत होता रहता है तो सुबह जब होता है वो दरवाजे बंद कर देते हैं कैनाल बहुत सारी हैं दरवाजे बंद कर देते हैं और सारा पानी विंड मिल से निकाल देते हैं अब तो विंड मिल नहीं रही बाकी तरीके से निकाल देते हैं और फिर जब शाम को पानी नीचे आना शुरू हो गया उन्होंने कैनाल खोल दी तो सारा शहर का पानी वापस समंदर के अंदर और बड़े मज़े से एम्स्टरडेम हुआ डेल्फ हुआ बहुत सारी ऐसी उनकी शहर हैं जहाँ पर लोग बड़े मज़े से रहते हैं तो ये एक और एक इस्तेमाल विंड मिल का लेकिन हम जिस तवसत से बात करेंगे ना वो ये एक और एग्जाम्पल आपको बताते चलूँ ये शायद दुनिया की सबसे पुरानी विंड मिल है जो जब से चल रही थी और अब तक चल रही है टू सिक्स 600 ए सिक्स हंड्रेड ए डी से अब तक के समझ लीजिए कि कितने चौदह पंद्रह सौ साल से वही चलती चली आ रही है अब इसका ये विंड मिल था जैसे वो जैसे गंदम को जो कूटते हैं ना मिल्स जो होती है ना वो ये हैं और सिर्फ हवा से चलती हैं ये वर्टिकल मिल हैं इसका मतलब नीचे से हवा जाएगी ऊपर तो वो फिर उसको टर्न करती हैं और टर्न करने के बाद उससे फिर आप कुछ भी कर लें यहाँ पर ये चक्की का हिसाब होता था कि वो कॉर्न या वीट उसमें ग्राइंड करके उसका फ्लावर बनाते थे उसका आटा बनाते थे और ये जो है अभी अभी अपना लेके चले जाए ना कॉर्न या वीट तो वो वहाँ पे अभी भी कुछ पैसे ले आपसे वो उसका आटा बना देगा तो ये अभी तक ये बड़ी एक बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है ईरान में कि ये जो इस किस्म की चक्कियाँ अभी तक के हवा से चल रही नॉर्दर्न ईरान की बात है ये तो हम जिस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं ना इस सब्जेक्ट के तवसत से वो है आ, ऐसी मिल जिससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो हमारा सारा कहानी जो है ना वो एनर्जी के ऊपर है वो मैकेनिकल एनर्जी से तो आप ले सकते हैं जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि उससे बाँध बांध चला लें या चक्की चला लें लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना है अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले की पहली तारीख ये है ये जो चार्ल्स ब्रश वाली जो विंड मिल थी ये अमेरिका में क्लीवलैंड वहायो के पास इन्होंने बनाई थी उसका अंदाज़ा ये था कि शायद हवा ज़्यादा से ज़्यादा इससे टकराए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मूवमेंट हो तो इस वजह से उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा हो लेकिन वो इतनी एनर्जी बनती नहीं थी ये सब ये इतनी बड़ी विंड मिल से तीन चार बैटरियाँ सिर्फ चार्ज होती थी फिर रात को अपने घर में वो रोशनी चलाता था ये बहरहाल एक जो पहली सबसे पहली ईजाद थी जो विंड टरबाइन की बात करते हैं ना अब हम विंड मिल की बात नहीं करेंगे विंड टरबाइन की बात करेंगे वो ये है क्लीवलैंड के इलाक़े में अमेरिका में ईजाद हुई थी सबसे पहले लेकिन जिसको फादर ऑफ द विंड मिल कहते हैं ना या इन्वेंशन ऑफ द मिल मिल ये लाखूर बल्कि पूरी फैमिली थी जो कि डेनमार्क में अट्ठारह से उन्नीस तक के रहा था वो उसकी इन्वेंशन है ये अब आप देखें पुरानी वाली विंड मिल की तस्वीर और ये नई वाली विंड मिल की तस्वीर करें तो इसमें दोनों टर्बाइन ऐसे ही है 1897 के ये है ये टर्बाइन उसकी इतनी पावर है कि वो जो लोकल जो घर थे ना उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देता था तो वो अब अब नई जितनी भी नई विंड मिल आप देख रही हैं जो ऐजाद हो रहे हैं वो उनमें या तो ज़्यादा से ज़्यादा तीन होंगी जो उसकी जो विंग्स होते हैं और मैंने ऐसी भी वेंड मिल देखी है जिसमें सिर्फ एक वो उसकी भी एक कहानी होती थी कि उसको बैलेंस कैसे किया जाए तो एक दो तीन ज़्यादा ज़्यादा चार है ना चार के अलावा वो जो उनके जो वो हैं विंग्स वो नहीं होते तो वो इतनी आसान हो गई उसकी वजह से और फिर ये कि आप विंड फॉर्म में एक बड़ी बात ये होती है कैलकुलेशन की कि एक विंड मिल लगी है तो दूसरी विंड मिल उसके कितने पीछे कितने साइड में लगेगी क्योंकि जो विंड आ रही है उसका एक अफेक्ट होता है ना एक विंड में चलेगी एक विंड टर्बाइन में चलेगी तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है अब उसके पीछे आप चार पांच और लगाएंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा बिजली नहीं निकलेगी तो ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितने फ़ासले पे लगाई लगाएं और कितने पीछे पे लगाएं उसमें जितने कम से कम उस, उसके वो, वो फ्लैंक्स होते हैं ना तो वो कम से कम जितने होंगे उतना जो पीछे वाले हैं उससे ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो उस हिसाब से वो फिर वो करते हैं कि कितने में दो लगेंगे कितने में तीन लगेंगे कितने में चार लगेंगी लेकिन उस सारी इन्वेंशन जो है वो लाखूर के नए स्टाइल की वजह से इस्तेमाल होना शुरू हो गई